बैठक बुलाई। माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कुछ और केंद्रीय मंत्री, साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कई राज्यों के शिक्षा मंत्री शिक्षा अधिकारियों के साथ में, बोर्ड के अध्यक्षों के साथ में इस मीटिंग में उपस्थित थे। केंद्र सरकार और मुद्दा जाहिर है कि कोरोना के इस संकट में हम 12वीं के बच्चों का भविष्य अब कैसे तय करें, इसी सवाल पर डिस्कशन था। केंद्र सरकार की ओर से दो प्रस्ताव राज्यों के सामने रखे गए थे। ये तो सब केंद्र के लोग भी और राज्यों के लोग भी मान रहे थे कि बहुत अभूतपूर्व संकट है और इस संकट में बच्चों की परीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है। तो केंद्र सरकार के दो प्रस्ताव थे, उसमें एक प्रस्ताव था कि हम 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा लें, पहले के तरीके से लें, लेकिन कुछ चुने हुए सब्जेक्ट्स की ही परीक्षा लें। जैसे लगभग 200 सब्जेक्ट्स हैं, उन 200 सब्जेक्ट्स में से केवल 20 मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा लें और उनके बेस पर ही हर एक बच्चे के बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दें। ये एक प्रस्ताव था पहले। तो इस तरह से 19-20 सब्जेक्ट्स की परीक्षा लेके और 19-20 सब्जेक्ट्स में आए हुए नंबर्स के आधार पर, मार्क्स के आधार पर, बाकी सब सब्जेक्ट्स को इवेल्युएट उसी के आधार पर करें, ऐसा एक प्रस्ताव है। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह वगैरह सब वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। दूसरा उनका प्रस्ताव था कि परीक्षा लें लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा बदलें, स्कूल में ही परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की परीक्षा हो, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की परीक्षा हो और उसके बच्चों की जो कॉपी चेक करने का काम है वो भी स्कूल में ही हो। तो ये उनका दूसरा प्रस्ताव था और उसमें यह भी है कि बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स की परीक्षा ना हो लेकिन बच्चे तय कर लें कि उनको कौन से 4 सब्जेक्ट्स की परीक्षा देनी है या 3 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है, ये उनका ऑप्शन बी था। देश के अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने अपनी अपनी राय रखी। दिल्ली की तरफ से मैंने भी इस पर अपनी राय रखी और इससे पहले मैंने कल दिल्ली के बहुत सारे प्रिंसिपल्स, प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स और फिर स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ संवाद किया था और उसके बेस पर, उस पूरे मंथन के बेस पर मैंने दिल्ली की तरफ से 12वीं के बच्चों के भविष्य के बारे में सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए, ये मैंने राय रखी अपनी, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पूरे देश में इस वक्त करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। इन 1.5 करोड़ बच्चों के पेरेंट्स, इनके टीचर्स और खुद ये बच्चे सबके सब बहुत उम्मीद भरी निगाहों से सरकारों की ओर देख रहे हैं और खास तौर से केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं कि केंद्र सरकार परीक्षाओं के बारे में कोई निर्णय ले ताकि 12वीं की जो ये क्लास है ये इतनी लंबी होती चली जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, ये 12वीं की क्लास से आगे उनको बढ़ने का मौका मिले। एक ऐसे समय में ये सब बात हो रही है, आज जो चर्चा हुई, जब हमारे पास रोजाना 2.5 लाख केस आ रहे हैं पूरे देश में, लगभग लगभग इस समय भी देश के बहुत सारे गांवों से किस तरह की स्थिति है, किस तरह की बॉडीज मिल रही हैं, वो हम सब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। हमारे सामने बार बार ये बात भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है और ये बात बार बार कही जा रही है अलग अलग सेक्टर से कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुझको कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा जाए कि बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। शिक्षण संस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था अपनी एक अलग कंपल्शन रखती है। शिक्षा व्यवस्था कहती है कि परीक्षा होनी चाहिए, बोर्ड कहता है, बोर्ड की परंपराएं कहती हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए। शिक्षा की जो हमारे अभी तक की प्रैक्टिस रही है और शिक्षा की जो अभी तक हमारी समझ रही है वो कहती है कि पहले पढ़ाओ फिर बच्चे की परीक्षा लो, उसके बाद में बच्चे को पास या फेल करो। लेकिन ये सब आइडियल वर्ल्ड की दुनिया है,
प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आज आपके बीच में रोजाना 2.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, और तीसरी वेव के बारे में कहा जा रहा है कि ये बच्चों से आ सकती है, बच्चों में ज्यादा आ सकती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। ये वक्त है कि हम बच्चों को जिस तरह से हमने 10वीं में किया है, 2-3 साल या 1 साल की अलग अलग परीक्षाएं जो अभी तक ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें, उसको पास करके आगे भेजें। अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पर पास नहीं होता है, तो जैसा हमने 10वीं में उसको ऑप्शन दिया है कि समय आने पर फिर हम उसकी परीक्षा कराएंगे और उसके मार्क्स को अपग्रेड कर देंगे। अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे नंबर कम आए हैं हिस्टोरिकल रेफरेंस से के आधार पर, मेरे नंबर्स तो ज्यादा आते अगर मैं परीक्षा देता, मुझे परीक्षा देने का अवसर दिया जाए, तो सही समय आने पर उसको परीक्षा देके, परीक्षा का अवसर देके उसके मार्क्स अपग्रेड किए जा सकते हैं। लेकिन 12वीं क्लास का ये कंटिन्यूअस चलना उसके लिए भी खत्म हो, ऐसा हमने प्रस्ताव दिया है। मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आज एग्जाम लेने वाली संस्थाओं, शिक्षा व्यवस्था की परंपराओं, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल शिक्षा व्यवस्था, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इसकी परंपराओं को फॉलो करने के चक्कर में हम अपने बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों की जान पे नहीं खेल सकते, और हमें एक पेरेंट के रूप में सोचना होगा, हमें शिक्षा व्यवस्था के मुखिया के रूप में सोच के ये समय नहीं निकालना है। हम शिक्षा व्यवस्था के मुखिया के रूप में अगर तय करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था के रूल, उसके कन्वेंशंस, उसके सारे ट्रेडिशंस हमारे सामने आएंगे। अगर पेरेंट के रूप में हम सोचेंगे तो एक पेरेंट के रूप में हमें समझ में आएगा कि नहीं, हम अपने बच्चों को अभी परीक्षा के जोखिम में नहीं डाल सकते। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन साथ साथ मैंने रिक्वेस्ट किया है क्योंकि बात सिर्फ बोर्ड की परीक्षाओं की नहीं है, बात एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी है, बात यूनिवर्सिटी के आगे के एग्जामिनेशन की भी है, अगला सेमेस्टर शुरू होने की भी है, कि फिर बच्चे परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे देंगे, नीट की, जेई की परीक्षाएं कैसे देंगे। तो इस सब का एक ही समाधान है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। जैसा मैंने कहा कि पूरे देश में करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में हैं। आज देश में भी वैक्सीन उपलब्ध है जो युवाओं के लिए कारगर बताई जा रही है, और विदेशों में भी ऐसी वैक्सीन उपलब्ध है जो 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी कारगर प्रूव की जा चुकी है, घोषित की जा चुकी है। केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए, लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए जो बच्चों के लिए लगाई जा सकती है, वैसी वैक्सीन। दुनिया में अभी फाइजर वैक्सीन का नाम आया है अमेरिका में। फाइजर वैक्सीन के बारे में से हमने भी संपर्क किया था, तो उनके पास डोजेस तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अभी हम केंद्र सरकार से ही बात कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी निभाए कि फाइजर से बात करके देश के 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन लेके आए और उनको लगवाए। अगर फाइजर वैक्सीन नहीं मिलती है तो जो देश में अभी वैक्सीन है युवा वर्ग के लिए, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। तो केंद्र सरकार के सामने मैंने प्रस्ताव रखा है कि हमारे इस वक्त दिल्ली के स्कूलों में, या देश के बारे में भी वही डेटा होगा, कि 12वीं के बच्चों में से करीब 20-25% बच्चे 18 साल के हो चुके हैं। करीब 70% बच्चे ऐसे हैं जो 17.5 साल से 18 साल की उम्र के बीच में है, यानी 1-2 महीने में, 3 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में वो 18 साल के हो जाने वाले हैं। तो इस तरह से 95% बच्चे हमारे 17.5 साल की उम्र के हैं। तो इन 17.5 साल वाले बच्चों की क्या हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, इस बारे में हम हेल्थ एक्सपर्ट से बात करें। अगर देश में 18 साल के युवा के लिए जो वैक्सीन उपलब्ध है, क्या वो वैक्सीन 17.5 साल के बच्चे के लिए भी कारगर है, ये बात हमें हेल्थ एक्सपर्ट बता सकते हैं, वैक्सीन की कंपनियां बता सकती हैं, उनके लिए जो टेस्टिंग की गई है, ट्रायल्स किए गए हैं, उससे हमारे पास आ सकती है। अगर ये संभव है कि हेल्थ एक्सपर्ट की राय के बाद और वैक्सीन कंपनियों की राय के बाद, कि अगर 17.5 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, ये मौजूदा वैक्सीन देश की, तो सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोक के पहले
जैसे हमने डॉक्टर्स के लिए पहले लगाया, वैसे ही अब हम प्राथमिकता देके देश के 1.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगा दें, वैक्सीन स्कूलों को उपलब्ध करा दें, स्कूल आसपास से नर्सेज लेके डॉक्टर्स लेके तुरंत हफ्ते भर में ये वैक्सीनेशन करा सकते हैं। दिल्ली सरकार को अगर आज हमें 1.5 करोड़ बच्चों के लिए अप्रूव वैक्सीन मिल जाए, जो 17.5 साल से बच्चों के 12वीं क्लास के बच्चों को हम लगा सकते हैं, तो हम 2 दिन में दिल्ली के 12वीं क्लास के सारे बच्चों को वैक्सीन लगा देंगे। ये हमारा तंत्र बना हुआ है। तो या तो फाइजर ले आए या देश की बनी वैक्सीन के बारे में एक्सपर्ट की राय लेके इसको उपयोग करें, लेकिन परीक्षा से पहले वैक्सीन की व्यवस्था करें। परीक्षा तब ली जाए जब बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाए, परीक्षा तब ली जाए जब बच्चों को वैक्सीन की सुरक्षा दे दी जाए। यह मैंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है, यही एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हल है और यही सीबीएसई या 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं का हल है। पहले हम बच्चों की सुरक्षा करें, बाद में परीक्षा करें। यह बात मैंने बहुत मुख्य रूप से केंद्र सरकार के सामने रखी है और मैंने कहा है कि जितनी शिद्दत से हम परीक्षा लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उतनी शिद्दत से अगर हम बच्चों की वैक्सीन लाने पर मेहनत कर लेंगे तो परीक्षा लेना भी सुरक्षित हो जाएगा।